तो गैस मैं हूँ किताब देखने डब्ल्यू फैंस में। क्या रेसलमेनिया 36 होने वाला है कैंसल, तो क्या रेसलमेनिया हमें इस बार नहीं देखने को मिलेगा, और क्या इसके पीछे की अपडेट्स काफ़ी जगह आपको सुनने को मिलेगा ये वाली चीज़। लेकिन इस वीडियो में मैं सारा कुछ क्लियरिफाई करूंगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा नया और काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और मोस्ट माय चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस मैंने आपको अगर अभी तक चैनल पर नहीं बताया, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आपको नहीं बताया कि रेसलमेनिया अभी कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है चारों तरफ से। क्योंकि गैस आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस जिसने सबको परेशान करके रख दिया है। और यहाँ पे गैस काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे जो है टलने के कगार पे हैं। हमारे इंडिया में आईपीएल टलने के कगार पे है, ओलंपिक गेम्स टलने के कगार पे हैं, और कुछ इसी तरह से गैस आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या रेसलमेनिया भी टलने वाला है। तो गैस इसका आंसर सिर्फ एक ही वर्ड में होगा, हाँ या ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तक जब से गैस 1985 से रेसलमेनिया शुरू हुआ है, तब से एक भी साल रेसलमेनिया बीच में रुका नहीं है। रेगुलर रेसलमेनिया हो रहे हैं हर साल, हमेशा रेसलमेनिया हो रहा है, एक भी बार स्टॉप नहीं हुआ है। और बाय द वे रेसलमेनिया के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक दी है, आप उस वीडियो को देखोगे तो रेसलमेनिया के बारे में आप हर कुछ जान जाओगे। तो वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गैस क्या रियली में कैंसिल होगा रेसलमेनिया कोरोना वायरस की वजह से? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेफनी मैकमैन ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए किसी भी इवेंट या किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा बड़ा है उनका सुपरस्टार का हेल्थ, चाहे वो रेसलमेनिया हो या फिर ओलंपिक्स हो। स्टेफनी मैकमैन ने बोला कोई भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा इवेंट है, अगर उनके सुपरस्टार्स की हेल्थ सही है तो सब सही है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टेफनी मैकमैन जो है वो अपने सुपरस्टार्स की केयर काफ़ी अच्छे से करना चाहती हैं, और उनकी जो हेल्थ है वो जानती हैं कि किस तरह से मुझे उनकी केयर करनी है। इससे पता चलता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मे बी स्टेफनी मैकमैन रेसलमेनिया 36 को कैंसिल करवा सकती हैं। लेकिन गैस यहाँ पे है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे गैस क्लियरली बताया जा रहा है कि जहाँ पे रेमंड जेम्स स्टेडियम में रेसलमेनिया होने वाला है, यहाँ पे गैस जो है वो काफ़ी कम चांस है। और वहाँ पे जो यूएस की, मतलब यहाँ पे जो हमारी सरकार, यूएस की, हमारी तो नहीं, यूएस की जो यहाँ पे सरकार है, जो भी आप कहो वहाँ की, तो वो यहाँ पे बता रही है गैस कि फ़िलहाल उनका कोई भी प्लान्स नहीं है कि वहाँ के एरिया में जो इवेंट्स है उसे कैंसिल किया जाए। जैसे कि गैस यहाँ पे मतलब ओवरऑल कहना यही है कि अभी वहाँ पे कुछ भी प्लान्स नहीं है कि वहाँ पे रेसलमेनिया जैसा इवेंट कैंसिल किया जाए। बाय द वे रेसलमेनिया भाई बादल से घिरा हुआ है, क्योंकि गैस यहाँ पे 90,000 से ऊपर लोग आते हैं इस शो को देखने, 90,000, 80,000, 70,000 लोग आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है गैस कि किसी ना किसी तरह का हड़कंप मच जाए। और ऐसे में गैस दुनिया भर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे मतलब गहराई पकड़ लिया पूरे दुनिया भर में। तो मोस्ट प्रोबेबली गैस हो सकता है कि कुछ ऐसा फंडा में देखने को मिले कि WWE सबको चेकिंग करके अंदर एंट्री करवाए, मे बी जो है गैस टिकट सोल्ड हो चुके हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा उन्हें रिफंड करना WWE के लिए भी, और काफ़ी सारे टिकट सोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे में जहाँ तक मुझे लगता है WWE इतनी बेवकूफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लेगी WWE, मुझे पता है ये जरूर करेगी, किसी ना किसी तरह से वो रेसलमेनिया जरूर करवाएगी जो कि उसका ट्रेडिशन है, हर साल होता है, और इस साल भी रेसलमेनिया स्टॉप नहीं होगा। यानी कि कहना यही है कि कहीं भी आपको अगर देखने को मिले ये वाली अपडेट कि रेसलमेनिया कैंसिल होने वाला है, तो उस पर आप बिलीव नहीं करो, रेसलमेनिया 36 कैंसिल नहीं होगा। पिक्चर्स आप स्क्रीन पे आपने, मैंने आपको दिखाई दिए है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रेसलमेनिया कैंसिल नहीं होगा। और हर साल की तरह हम इस बार भी एक बड़ा इवेंट WWE का ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल रेसलमेनिया शो ऑफ शोज देखने को मिलेगा। तो अपना एक्साइटमेंट आप मतलब बर्बाद नहीं करो, एक्साइटेड रहो रेसलमेनिया के लिए, बिल्कुल होगा रेसलमेनिया। और बस यही कहना था, मुझे लगा ये वाली अपडेट आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके मन में भी शक होगा कि क्या रियली में कैंसिल होगा या नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस हो या फिर कुछ भी, WWE के प्लान्स वही रहेंगे जो पहले थे, तो ओवरऑल रेसलमेनिया 36 जरूर होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और मोस्ट माय चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।